जय हिंद दोस्तों और बच्चों, चलिए हम लोग देखेंगे फास्ट ट्रैक करंट अफेयर्स फॉर यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस का एग्जाम 24 तारीख को है, 24 अक्टूबर को, बहुत ही पास है। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं, इस समय से आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं फास्ट ट्रैक करंट अफेयर्स कि क्या है इस बार। चलिए थोड़ा सा आपको पता होगा वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल होने के बाद अब 28 राज्य हैं और 8 यूटी बचे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि 2019 में क्या हुआ था, 2019 में जे एंड के को क्या किया गया, राज्य के दायरे से हटाकर इनको, जे एंड के को दो यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, दो यूटी बना दी गई थी। ठीक है, एक बना दी गई जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी क्या बना दी गई, लद्दाख। ठीक है, दो यूटी बना दी गई थी, आपको इतना याद रखना है। तो अब इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी आपको इतना सा याद रहना है। ठीक है, 2020 में एक और काम हुआ था जिसकी वजह से आप देखेंगे कि दादर नागर हवेली क्या किया था, दादर नागर हवेली जो यूटी थी और प्लस दमनदीप का विलय कर दिया। विलय करके इनको एक राज्य बना दिया गया, इनको इनको एक कर दिया गया। ठीक है, इससे भी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं, जानना चाहिए। ठीक है, एक आपको संविधान संशोधन कुछ याद करना है जो इम्पोर्टेंट है। एक आपको 100वां संविधान संशोधन याद करना है, 100वां संविधान संशोधन आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या क्या था कि प्रथम अनुसूची में थोड़ा सा संशोधन किया गया था भारतीय संविधान की, और संशोधन करके क्या कर दिया गया, इंडिया और बांग्लादेश के बीच, ठीक है, कुछ स्थानों का लेन देन हुआ था। हमने अपने कुछ क्षेत्र उनको दे दिए, कुछ ने हमें दे दिया, तो याद रखना आप, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण हुआ था इंडिया बांग्लादेश के बीच, क्या हुआ, क्षेत्रों का हस्तांतरण। ठीक है, बस आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करना है। ठीक है, फिर आपको 101वां संशोधन देख लेना है। ठीक है, इसमें क्या किया था, इसमें जीएसटी लाया गया था। 100 याद रखिएगा, 100 याद रखिएगा। फिर आपको 102वां भी संशोधन याद रखना है, इसमें क्या किया गया, जो ओबीसी कमीशन था ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, इसको संवैधानिक दर्जा इसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो 300 आर्टिकल 338 है ओबीसी के लिए, आर्टिकल 338 में संशोधन करके दो चीज़ें जोड़ी गई, 338 ए और 338 बी। ठीक है, तो ये प्रोविज़न थोड़ा सा आपको याद रखना, 102वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब आपको याद रखना 103वां संविधान संशोधन को समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन की बात की गई। ठीक है, बस आप इतना ही याद रखेंगे। 104वां संविधान संशोधन और याद रख लीजिए। 104वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, जो SC और ST का रिजर्वेशन है उसका विस्तार कर दिया गया, रिजर्वेशन का विस्तार कर दिया गया नेक्स्ट 10 ईयर तक। ठीक है, तो आप इसको ये भी याद रखेंगे, 104वां संविधान संशोधन ये कब आया था, ये वाला तो आया था 103वां आया था 2019 में, ये कब आया था, 104वां आया था 2021 में। ठीक है, इसका विस्तार कर 10 ईयर तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, और अभी एक और इम्पोर्टेंट हुआ था 105वां संविधान संशोधन,
ये भी 2021 का ही है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में जो जो ओबीसी जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन, ठीक है, मैं राज्य सूची के अधिकार को राज्यों को दिया गया, राज्य सूची के अधिकार को राज्यों को दिया गया, मतलब राज्य डिसाइड करेंगे किसको ओबीसी में डालना है किसको नहीं डालना है, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से मेरी बातों को बस देखिएगा, ठीक है। भारत में पूछा जाए वो कौन सी फसलें हैं, या पूछ लें कि एग्रीकल्चर की थोड़ी सी बात समझिए कि हम लोग, चलो एग्रीकल्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आते हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो अपनी पॉपुलेशन है, अपनी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का 54.6% हिस्सा कृषि कार्यों में लगा हुआ है, ठीक है, और जीवीए सकल मूल्य जिसको बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको सकल मूल्य बोलते हैं, ठीक है। सकल मूल्य की दृष्टि से देखें तो अर्थव्यवस्था में या इकोनॉमी में, कृषि का जो हिस्सा है ना वो 17.8% है, ठीक है। अब अगर 2020 और 21 को देखें, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर 2020 और आप 21 को देखने जा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए कुल खाद्यान्न उत्पादन देखें, अगर कुल कुल खाद्यान्न का उत्पादन देख लीजिए, ठीक है, कितना हुआ, 303.34 मिलियन टन रहा, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें 304.34 मिलियन टन में अगर थोड़ा सा ध्यान से दें आप देखें तो चावल का उत्पादन कितना रहा, चावल का रहा 120.32 मिलियन टन, ठीक है। गेहूं का कितना, क्वेश्चन आते हैं इस पे, कई बार आए हैं पूछे गए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, 109.24 मिलियन टन गेहूं का रहा है। पूछ लें कि मोटे अनाज उसका कितना रहा, कई बार ऐसे आते हैं कि मोटे अनाज का कितना रहा, तो फिर वो भी आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, मोटे अनाज, तो मोटे अनाज का रहा 49.36 मिलियन टन। अच्छा दालें कितनी हुई, दालों पे बड़ा आता है क्योंकि कई बार हमें दालें बाहर से मंगानी पड़ती हैं, 24.42 मिलियन टन रहा। और तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो उत्पादन था ये इस पर बेस्ड था, ठीक है, तो दालें इतनी हुई ये रहा। तो अब कुछ फसलें हैं, जैसे किसका उत्पादन कहाँ पर ज़्यादा होता है, कई बड़े क्वेश्चन आते हैं, आप इसको चाहे इकोनॉमी में डाल लीजिए, चाहे करंट में डाल लीजिए, चाहे आप इसको ज्योग्राफी में डाल लीजिए, कहीं पर भी डाल लीजिए। जैसे चावल है, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के बाद फिर यूपी में होता है, यूपी के बाद देखोगे तो आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश के बाद कहाँ होता है, बिहार में होता है, और फिर पंजाब का स्थान आता है, पंजाब बहुत लास्ट है। लेकिन अगर आप गेहूं के उत्पादन में जाएंगे, गेहूं, गेहूं में सबसे ज्यादा यूपी है आगे, मैं उत्पादन बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, मैं उत्पादन बोल रहा हूँ, उत्पादकता नहीं, उत्पादकता में तो गेहूं में फिर पंजाब आगे आ जाएगा उत्पादन, ठीक है, फिर नंबर दो पर पंजाब आता है, फिर हरियाणा आता है, समझिए मेरी बातों को। दलहन, दलहन में कौन टॉप पर है, तो दलहन में एमपी नंबर एक पे, एमपी के बाद यूपी आता है, यूपी के बाद हरियाणा का स्थान आता है, हरियाणा के बाद पंजाब आता है, पंजाब के बाद फिर राजस्थान आता है, फिर ऐसे करके बहुत सारे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बहुत सारे। फिर तिलहन,
तिलहन वो फसलें होती हैं जिनसे तेल निकालते हैं, ऑयल सीड्स कहते हैं इनको, तिलहन को। इसमें भी एमपी नंबर एक है, फिर गुजरात नंबर दो पर है, फिर यूपी नंबर तीन पर है, फिर बिहार है। तो आपको क्या रखना, आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको तो नंबर एक पोजिशन याद रखनी है, मतलब ये। इसके बाद आपको जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो याद रखनी है यूपी की पोजिशन क्या है, ये तो आपको रखनी है, और यहाँ तिलहन में क्या पोजिशन है ना। अब जैसे जौ, जौ के उत्पादन की बात करें, जौ के उत्पादन में यूपी नंबर एक है, यूपी के बाद फिर राजस्थान आता है, फिर बिहार आता है ना। तो यहाँ पर आपको यूपी पे ध्यान देना होगा कि कहाँ कहाँ पर किन किन चीजों के फसल उत्पादन में कौन सा ज्यादा है, ठीक है। अब एक होता है गन्ना, गन्ना भी आपने, गन्ने की फसल के उत्पादन में भी यूपी नंबर एक पर है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर तमिलनाडु आता है गन्ना में। तो आपको याद रखना यूपी टॉप पे है। लेकिन अगर पूछा जाए गन्ने से जो सुगर बनती है, सुगर है ना, वो अगर पूछा जाए कि गन्ने के साथ सुगर सबसे ज्यादा कहाँ निकल लेती, तो फिर अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यूपी है, लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज्यादा रस कहाँ के गन्ने में होता है, तो महाराष्ट्र के गन्ने में होता है, इसलिए सुगर वहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है ना। तो वो सारी चीजें हैं आपको याद रखनी है। अब चाय कहाँ पर होती है, तो असम में होती, कहवा कहाँ पर होती, कर्नाटक में होती, कपास कहाँ होती, महाराष्ट्र में ज्यादा होती है, ठीक है। कपास के उत्पादन में यूपी नहीं मिलेगा आप। रबड़ कहाँ होती है, रबड़ केरल में होती है। तो वो सारी चीजें हैं, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी पूछ रहे हैं, ये करंट अफेयर्स रिलेटेड था पॉइंट, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर विश्व में देखो आप, विश्व में देखें तो चावल उत्पादन में नंबर वन कौन है, चावल उत्पादन में नंबर वन चीन है, और चीन के बाद नंबर दो यहां पर भारत है, ठीक है। भारत में क्या होता है, जितना भी खाद्यान्न उत्पादन है तो कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 47% भाग पर। मेरी बातों को ध्यान दीजिए, मैंने कुछ पॉइंट लिखे नहीं है। कुल बुआई वाले क्षेत्र का, जहाँ पर खाद्यान्न बोते हैं, खाने वाली फसलें बोई जाती है, मैं यहाँ पर कमर्शियल क्रॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें गन्ना नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गन्ना को कमर्शियल क्रॉप मानते हैं, उसको खाद्यान्न क्रॉप में शामिल नहीं करते। 47% भाग पर हम क्या करते हैं, कुल जो खाद्यान्न बोया जाता है उससे 47% भाग पर हम लोग चावल की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, ठीक है। गेहूं देखो, गेहूं गेहूं में भी देखे ना, तो नंबर एक पे चीन है और नंबर दो पे भारत है, ठीक है। अब कुल कृषि योग्य जमीन के ये 15% भाग पर गेहूं बोते हैं हम लोग, ठीक है। और गेहूं के उत्पादन में कौन आगे, यूपी, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में तो पंजाब, उत्पादकता में वो है, ठीक है। अब आप देखो जैसे कि आम है, केला है, चीकू है, खट्टे नींबू है, काजू है, ठीक है, नारियल है, काली मिर्च और हल्दी भी ले लो, और हल्दी, इन सब के उत्पादन में देखोगे ना तो भारत पहला है, सब उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। सब्जी के उत्पादन में जाओगे, सब्जियों के उत्पादन में भी चीन नंबर एक है और भारत नंबर दूसरे पे आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, हमें समझनी है। चलिए हमने समझा इन सब चीजों को कि क्या है। अब देखिए बहुत सारे पुरस्कार हैं, बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जैसे हम लोग उनको देते हैं, कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार हैं किसको, वो हम लोग बाद में देखेंगे किसको दिए गए। पहले तो आप लोग समझ लीजिए राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार कौन किसको दिए गए, हमने वो बात नहीं कर रहे, राष्ट्रीय पुरस्कार समझिए। जैसे पूछ लिया जाए गांधी पीस प्राइज की स्थापना कब हुई थी, है ना, गांधी पीस प्राइस इसकी स्थापना कब हुई थी,
आप बताएंगे 1995 में हुई थी, 1995 में हुई थी। अब 1 करोड़ रुपए नगद देते हैं इसमें, इसमें 1 करोड़ रुपए नगद दिए जाते हैं, नगद कैश देते हैं इसमें। जब इसको शुरू करा गया था 1995 में, तो गांधी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर, 125वीं जयंती थी गांधी जी की, तब इसको शुरू करा गया था। ठीक है, अब ये क्यों देते हैं गांधी पीस प्राइस, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक और राजनीति के क्षेत्र में शांति और सद्भावना का परिचय देने वाले नागरिक को दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सामाजिक और राजनीति में शांति और सद्भावना, जो योगदान देता है उस नागरिक को गांधी पीस प्राइज दिया जाता है। एक ऐसे ही है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना प्राइज, ये 1965 से दिया जा रहा है, नेहरू जी की डेथ हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सद्भावना के लिए दिया जाता है, 25 लाख रुपए दिया जाता है इसको। ठीक है, ये तो हो गई ये, ठीक है, ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, और ये नेतृत्व के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये मोस्टली नेतृत्व के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब कुछ पुरस्कार और हैं जो नागरिक सम्मान है, नागरिक सम्मान है, लेकिन है वो क्या, राष्ट्रीय पुरस्कारों में ही उनका काउंट होता है, ये नागरिक सम्मान है लेकिन है क्या वो, है वो राष्ट्रीय पुरस्कार में। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, भारत रत्न, ठीक है, ये भारत रत्न, ठीक है, कब शुरू हुए थे, 1954 में, कला साहित्य विज्ञान और समाज क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ पर किस किस क्षेत्र में देते हैं, अगर वो पूछें भारत रत्न किस किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो दिया जाता है कला में दिया जाता है, ठीक है, साहित्य में दिया जाता है, विज्ञान में दिया जाता है, और समाज सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, अगर पूछा जाए ना तो ये क्या है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो 54 याद रखना है। फिर इसके बाद जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आता है उसका नाम है पद्म विभूषण। मैं ये नहीं बता रहा किसको दिए गए, मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कब शुरू हुए और किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ये सेकंड, ठीक है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान है। वरीयता क्रम में देखा जाए तो भारत रत्न के बाद नंबर दूसरा स्थान आता है, ये भी 1954 में हुआ था, 2 जनवरी को दिया गया, मतलब शुरुआत हुई थी इसकी। फिर आता है पद्म भूषण, ठीक है, ये भी 1954 में 2 जनवरी को ही हुआ था, वरीयता क्रम में तीसरा नागरिक सम्मान है। और फिर आता है पद्मश्री, हम लोग जानेंगे ठीक है, पुरस्कार में हम लोग जानेंगे, वहां पर सारे पुरस्कारों को एक साथ देखेंगे हम लोग, तो कुल मिला के आप यहाँ पर वरीयता क्रम समझिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये 4 नागरिक सम्मान थे। अब कुछ पुरस्कार ऐसे हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में देते हैं, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, विज्ञान क्षेत्र में कौन सा देते हैं, हम लोग देते हैं तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, भटनागर पुरस्कार, ये हम लोग 1958 से दे रहे हैं। ठीक है, इसमें 5 लाख रुपए की राशि देते हैं, और मेन टारगेट होता है जो युवा वैज्ञानिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ठीक है, युवा वैज्ञानिक हैं या इंजीनियर हैं, ठीक है, इनके मौलिक शोध को प्रोत्साहन देना,
अगर इन्होंने कोई मौलिक शोध किया है तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये प्राइज देते हैं। ठीक है, कौन देता है ये? CSIR देती है, CSIR के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये राष्ट्रीय विज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी प्रकार कुछ पुरस्कार और आते हैं, जैसे कुछ हैं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। हम नोबेल प्राइज की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना, हम उन पुरस्कारों की बात कर रहे हैं जो भारत के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, एक आता है कलिंग प्राइज, ये 1952 से दिया जा रहा है। ठीक है, और देखेंगे तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जाता है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को देता है। ठीक है, और यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? निधि, निधि पैसा कौन लाता है? ठीक है, तो पूर्व मुख्यमंत्री थे ये बीजू पटनायक, तो उड़ीसा के जो बीजू पटनायक जी हैं, बीजू पटनायक द्वारा प्रदत्त निधि से, उन्होंने कुछ संपत्ति दी थी उसके द्वारा ही इस प्राइस को दिया जा रहा है, कलिंग प्राइस को। ठीक है, इसके अलावा कुछ साहित्य पुरस्कार हैं जो राष्ट्रीय कैटेगरी के, राष्ट्रीय साहित्य प्राइस। अच्छा, वो कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला नाम आपको याद रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्या है? इस साहित्य कैटेगरी में आता है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। साहित्य के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान का दर्जा मिलता है इसको। ठीक है, दूसरा है मूर्ति देवी प्राइस, मूर्ति देवी प्राइस 1961 में इसको भी शुरू किया गया था। और तीसरा है साहित्य अकादमी प्राइस, साहित्य अकादमी प्राइस ये 1954 में शुरू किया गया था। और अंग्रेजी के सहित भारतीय भाषाओं में कोई भी उत्कृष्ट हो, मतलब साहित्य अकादमी प्राइज देते हैं हम लोग जो अपना 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची की भाषाओं में जो भी साहित्य या कोई कृति लिखी गई है उन पर दिया जाता है साहित्य अकादमी प्राइज। ठीक है, यहाँ तक इन सबको हम लोग प्राइज वाले सेक्शन देखेंगे, बस आपको यहाँ पर ये रखना है कि कौन सा प्राइज किस काम में आता है, इतना याद रखना। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता ही है संस्थान से, हर साल आता है ना, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आना ही है, श्योर है, निश्चित आते हैं। कौन सा संस्थान कहाँ पर है? जैसे भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? देहरादून, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। मतलब अगर मैं इन चीजों को लिखूं तो एक टाइम वेस्ट होगा वैसे देखा जाए तो, है ना। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो आप बताइएगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, इसी प्रकार भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? तो आप बताएंगे पुणे। तो कुल मिला के ये संस्थानों से क्वेश्चन आते हैं, है ना। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी नई दिल्ली में है, तो यहां से एक दो क्वेश्चन आने ही हैं। ठीक है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये जादूगोड़ा में, जादूगोड़ा में जहाँ पर यूरेनियम की खान है, झारखंड में, है ना, यूरेनियम के लिए फेमस है जादूगोड़ा। इसके अलावा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पूछा जाए कहाँ पर है? तो आप बताएंगे भैया लखनऊ में। ये तो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग यूपी का एग्जाम देने जा रहे हो, पता होना चाहिए। केंद्रीय
चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये चेन्नई में है, ये चेन्नई में, ठीक है। अब राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में, ठीक है। ऐसे पूछते हैं उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो आप बताएंगे हासन। हासन कहाँ है? कर्नाटक में, वहां खोला गया ना। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? तो आप बताएंगे धनबाद में। धनबाद कहाँ पर है? झारखंड में, ठीक है। कहाँ पर है? धनबाद। और धनबाद कहाँ है? झारखंड में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये गोवा में, यहीं से आर्कटिक और अंटार्कटिका के लिए मिशन भेजे जाते हैं। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र ये कहाँ खोला गया? ये देहरादून में, ठीक है। यहीं इसी से संबंधित एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला गया, ठीक है। इंडियन ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये मुंबई में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस वहां पर आने हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ना, पूछ लेंगे। नेशनल डेयरी रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे नेशनल मैरीन रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? चेन्नई में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? शिमला में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कटक में है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर में है। सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भावनगर में है। बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियंटोलॉजी कहाँ पर है? लखनऊ में। पेलियोबॉटनी कहाँ पर है? लखनऊ में है। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोलकाता में। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गांधीनगर में। ये क्वेश्चंस वहाँ पर आने हैं। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में है। तो ये सारे संस्थान है ना जितने भी, इस पर क्वेश्चन आने हैं। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर? चेन्नई में। अंटार्कटिका स्टडी सेंटर कहाँ पर है? वो भी है गोवा में, यहाँ पर ये यहीं पास में ही है बिल्कुल, है ना। ये आमने सामने समझिए, समुद्र के किनारे ही बनाए गए, ठीक है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केरल में है, केरल के कासरगोड में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान कहाँ है? बंगलौर में। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ना, लखनऊ में। नेशनल शुगर रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? कानपुर में। तो ये चीज़ें भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एक से दो क्वेश्चंस इस पे आते हैं और आपको वो तैयार करके रखने, ठीक है। इसमें कोई भी कोताही नहीं करनी। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक ओवरऑल चीज़ें, एक ओवरऑल व्यू है, एक व्यू है, आप कह सकते हो एट अ ग्लांस है। ठीक है, एट अ ग्लांस में क्या है? हाँ, आपके लिए एक न्यूज़ थी। जो भी लोग अपन लोग जितने भी लोग हैं जो अपने ऐप पर हैं, और ये क्लास भी ऐप पर ही चल रही है, तो जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं, एक प्योर इंग्लिश मीडियम का बैच भी स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन, ठीक है। अभी हमारे पास 20 से 22 एडमिशन इसके लिए क्वायरीज आ चुकी हैं। तो जो लोग प्योर इंग्लिश मीडियम में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। बाकी तो सारे बैच अपने बायलिंगुअल चल ही रहे हैं, ठीक है। और ये जो बैच है वो, इसमें दो तरह के बैच उपलब्ध होंगे। एक डेली क्लास होगी, ठीक है, जो नाइट में होगी। नाइट में मतलब 8 to 10 होगी, ठीक है, या फिर 9 to 11, अभी टाइम डिसाइड नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है, इसमें वीकेंड क्लास भी होगी उनके लिए जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉल अभी तक मेरे पास आए हुए हैं वो मोस्टली IIT से आए हुए हैं, IIT से, HBTI से।
तो यहाँ के स्टूडेंट्स के कॉल हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज के बच्चों के भी कॉल हैं। ठीक है, चलिए गोवा की बात करते हैं। गोवा क्या है? भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य, भारत का पहला पहला रेबीज मुक्त राज्य है। ठीक है, अब दूसरा देखिए आप, सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क पूछा जाए, सैटेलाइट फोन वाला पहला नेशनल पार्क कौन सा है? आसाम में है। कौन सा? काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहां पर खोली गई? ये केरल में है। क्वेश्चन आ रहे हैं इन चीजों से, याद रखिएगा। भारत का पहला वाटर प्लस शहर, पहला वाटर प्लस शहर ये कौन है जो स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे टॉप पर रहा? वही है, इंदौर। ठीक है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन सिटी, पहली इलेक्ट्रिक वाहन सिटी ये कौन सी है? केवड़िया। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक नाम याद रखना आपको, उनका नाम है माव्या सूदन। माव्या सूदन एक महिला है, पहली महिला फाइटर पायलट है, वो भी जे एंड के की पहली महिला फाइटर पायलट है। ठीक है, इनको याद रखना है। भुवनेश्वर को भी आपको याद रखना है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को याद रखना है। 100% 100% कोविड टीकाकरण वाला पहला शहर कौन है? भुवनेश्वर। कर्नाटक में सरकारी नौकरियों में याद रखना, कर्नाटक में गवर्नमेंट जॉब्स में 10% रिजर्वेशन दिया गया है। किसको दिया गया है? ट्रांसजेंडर को। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको जितना बता रहा हूं। ठीक है, तो कर्नाटक वो पहला राज्य है। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान, ठीक है, तो देहरादून में, देहरादून याद रखिएगा। ठीक है, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक पार्क या उद्यान देहरादून में खोला गया। ठीक है, पुरी, जगन्नाथपुरी वाले पुरी की बात कर रहा हूं, यहां पर क्वालिटी वाला पे पानी, गुणवत्ता युक्त ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया था, घर टू घर, डोर टू डोर। ठीक है, घर घर, घर घर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने वाला पहला शहर आपको याद रखना पड़ेगा, पुरी। ठीक है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर लग रहा है? फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू हो रहा है? यूपी में, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का पहला निजी एलएनजी संयंत्र कहां पर शुरू हो रहा है? नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, एक महिला का नाम है आपको याद रखना है, हांगकांग की है, उनका नाम है टिसांग इन हंग, हंग से याद रखिएगा, ये हांगकांग की है। ठीक है, ये एवरेस्ट पर सबसे तेजी से चढ़ाई करने वाली, एवरेस्ट पर सबसे तेजी से चढ़ने वाली पहली महिला,
ठीक है। और पश्चिम मध्य रेलवे याद रखना है आपको, पूरी तरीके से विद्युतीकृत हो गया, ठीक है। पूछा जाए कि भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन, हर जगह पर वहां पर इलेक्ट्रिक रूट हो गया, तो आपका आंसर होगा पश्चिम मध्य रेलवे, ठीक है। कोविड 19 वैक्सीन किस भारतीय को पहले लगी? कोविड 19 जो वैक्सीन है ना, ये लगवाने वाले मनीष कुमार पहले भारतीय थे, ठीक है। कमला हैरिस तो पता ही, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है, कमला हैरिस का नाम याद रखिएगा, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है, ठीक है। एक नाम इसी प्रकार से एक आपको और याद रखना है, आपको याद रखना है प्रियंका मोहिते का, ये तो वाइस प्रेसिडेंट है, कहाँ की, यूएसए की। प्रियंका मोहिते क्यों याद रखना है? क्योंकि ये पहली महिला है भारत की, है ना, भारत की पहली महिला है जिसने अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ाई की, अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ी, ठीक है। नोएडा आपको बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी अमित शाह जी ने कुछ खास चीज़ों की बात की, और हमारे योगी जी भी गए थे, भारतीय विरासत संस्थान, भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान यहाँ पर खोला जा रहा है, इसलिए आपको इसको याद रखना है, ठीक है। भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर अगर पूछें कहां पर खुल रहा है, तो आप बताएंगे भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर आपको याद अच्छी तरह से रखना है, ठीक है। भुवनेश्वर क्या था, 100% टीकाकरण वाला देश का पहला शहर भी भुवनेश्वर ही था, ठीक है। अब पहला खाद्यान्न एटीएम देश का, भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम कहां पर खुल रहा है, तो आपको पता ही है, गुरुग्राम हरियाणा में खुल रहा है, ठीक है। एक नाम और याद रखना है आपको, कि भारत का पहला इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला राज्य, भारत का पहला इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? आश्चर्य होगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, तेजी से विकास करता हुआ अपना प्यारा बिहार, ठीक है। भारत, यहीं बिहार में ही भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी स्थापित होगा, क्या होगा यहाँ पर, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी स्थापित होने जा रहा है, ठीक है। और बिहार में ही चाहे वो मेडिकल हो और चाहे वो इंजीनियरिंग हो, यहाँ पर गर्ल्स के लिए 33% रिजर्वेशन। आप कहोगे कैसे, इसका तो पूरा एग्जाम एनटीए करा था, नहीं तो स्टेट कोटे के तहत देंगे ये, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अहमदाबाद को बड़ा इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, अहमदाबाद में केवल स्टेडियम ही नहीं है, ये अहमदाबाद है प्रथम स्पोर्ट्स सिटी है, भारत की प्रथम स्पोर्ट्स सिटी के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तेलंगाना बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार देश का या भारत का पहला, है ना, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क बनाया जा रहा है, कि अगर इनके खिलाफ कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो उसकी कंप्लेन की जाएगी, इसलिए इनको
यहाँ पर तेलंगाना में ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब यहां पर एक समुद्री क्लस्टर बनाया जा रहा, फर्स्ट भारत का फर्स्ट समुद्री क्लस्टर जोन ये कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसके लिए किनारे हमें चाहिए समुंदर, और समुंदर कहाँ, गुजरात, गुजरात में एक जगह है गिफ्ट सिटी, वहां पर ये बनाया जाएगा। ठीक है, एक गांव है, जैसे शहर भुवनेश्वर ने पूरा 100% टीकाकरण का लक्ष्य पा लिया, तो भारत का वो पहला कौन सा गांव था जहां पर संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य सबसे पहले पाया गया। तो उस गांव का नाम है वेयान गांव, और ये वेयान गांव है लद्दाख में। ठीक है, वेयान गांव लद्दाख में क्या हुआ था, जहां पर संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य 100% टीकाकरण सबसे पहले गांव में इसी में हुआ था। ठीक है, केरल में अभी हाल ही में पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोला गया है, पहला श्रमिक आंदोलन म्यूजियम या संग्रहालय खोला गया। ठीक है, केरल में ही एक गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए एक स्कीम चल रही है, मातृ कवचन, मातृ कवचन आपको याद रखनी है। ये क्या है, ये गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, ताकि वो अपने बच्चे को असाध्य बीमारियों से बचा सके, उसके लिए मातृ कवचन ये प्रोसेस केरल में चल रहा है। ठीक है, पहला प्लस कार्यक्रम सेक्स पीड़ित बच्चों के लिए यहाँ पर चल रहा है, पहला कवल प्लस एक प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, कवल प्लस प्रोग्राम। ठीक है, इसको वाई भी बोलते हैं, कवल प्लस प्रोग्राम, वाई प्रोग्राम भी कहते हैं कुछ लोग इसको, ये सेक्स पीड़ित बच्चों के लिए, सेक्स पीड़ित बच्चों के लिए, तो ये भी केरल में चल रहा है। तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है यहाँ पर। ठीक है, अब प्रथम एक ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन हुआ था अभी हाल ही में, आईआईटी में हुआ था, और कौन से आईआईटी में हुआ था, आईआईटी बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में क्या हुआ था, प्रथम ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी, नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन। ठीक, आईआईटी बॉम्बे, उत्तराखंड को आपको याद रखना है, यूके मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड ही समझना है इसको, यूनाइटेड किंगडम नहीं समझना है। पहला क्रिप्टोगैमिक कार्ड, पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन आपको रखना है। ठीक है, अब दो चीजें आपको याद रखनी है, देखो तेलंगाना बड़ा इंपॉर्टेंटली पहले आप याद रखिएगा, तेलंगाना याद करने की वजह है कई सारी और आपको उसमें कुछ भी गलती नहीं करनी है। तेलंगाना में क्या हुआ था, भारत का सबसे बड़ा तैरता किसका, तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क है, तैरते पर ध्यान देना है यहां पर। अगर वो क्वेश्चन पूछ ले सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है, तो आप कच्छ बता देंगे, कच्छ मतलब गुजरात में, कच्छ गुजरात में। ठीक है, अरे एक और, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क पूछे तो आप सिंगापुर बता देंगे, सिंगापुर में क्या है, यहां पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क है। राइटिंग में मत जाइए, मेरी बातों को सुनिएगा। ठीक है, एक वैक्सीन है जो सिंगल डोज वैक्सीन है, कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, फर्स्ट सिंगल डोज वैक्सीन बताओ, जो एक ही डोज लगानी पड़ती, दो नहीं लगानी पड़ती, फर्स्ट सिंगल डोज वैक्सीन,
कौन सी है, उसका नाम है स्पुतनिक, याद रखिएगा। ठीक है, जानवरों के लिए वैक्सीन किसने बनाई? कोविड-19, कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल, ये किसने बनाई, याद रखिएगा। ये भी रसिया ने बनाई है, रूस ने। ऊपर वाली भी जो स्पुतनिक है, ये भी रसिया की, रूस की ही है। ठीक है, चलिए, ऊपर जो सैटेलाइट भेज जाते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह भेज जाते हैं, ठीक है, तो पहला लकड़ी का उपग्रह भेज रहा है एक देश, पहला लकड़ी का उपग्रह भेज रहा है, और इस उपग्रह का नाम है WISP वुडसेट। कौन भेज रहा है इसको? भेज रहा है न्यूजीलैंड, प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, न्यूजीलैंड में ही इसको लॉन्च किया जाएगा माहिया पेनिनसुला से। ठीक है, चलिए, एक एक पोत याद रखना है आपको, एक नाम याद रख लीजिए, इसका नाम है मैफ्लावर 400। ये क्या है? अटलांटिक को पार करने वाला पहला मानव रहित पोत है, अटलांटिक को पार करने वाला पहला मानव रहित पोत बनाया गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब यहीं पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको एक नया बताता हूँ, नया डेटा है, बिल्कुल करंट से रिलेटेड है, कि खनिज पदार्थों से संबंधित है, बिल्कुल न्यू, जैसे कि पेट्रोलियम। थोड़ा सा ध्यान से देखना बस आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ। पेट्रोलियम उत्पादन में नंबर एक असम है, फिर झारखंड है, बॉम्बे है तो समुद्र वाला है, मैं आपको स्थल वाले स्थान बता रहा हूँ, स्थान से। ठीक है, अगर पूछा जाए मैग्नीज के उत्पादन में कौन है, तो आप बताएंगे कि ओडिशा नंबर एक है, फिर महाराष्ट्र है, ठीक है, और फिर MP है मैंगनीज। पूछा जाए कि कोयले के उत्पादन में कौन भैया आगे, तो आप बताएंगे कि भैया सबसे पहले झारखंड भैया है, फिर पश्चिम बंगाल आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर उड़ीसा असम महाराष्ट्र है। ठीक है, तांबे के उत्पादन में भैया कौन है, बता देंगे आप, झारखंड ही नंबर एक पर है, फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, बॉक्साइट, तो कोयला और तांबा, ये दोनों याद रखना है, इनमें नंबर एक कौन है, झारखंड। ठीक है, बॉक्साइट में कौन है, ओडिशा, और फिर आता है आपका झारखंड। तो बॉक्साइट और मैंगनीज आप साथ साथ याद रखना, बॉक्साइट और मैंगनीज, क्योंकि इन दोनों में कौन है, नंबर एक पे ओडिशा है। ठीक है, यहां तक कंफर्म हुए। फिर आएगा आपको अभ्रक में आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, फिर झारखंड है। ठीक है, सोना सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है, सोने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना, और फिर आंध्र प्रदेश है नंबर दो पे। हीरा कहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है भैया, MP में मिलता है। अच्छा भैया, अच्छा, जस्ता या जिंक कहाँ पर मिलता है, जस्ता या कहीं लिखा हो जिंक, तो ये कहाँ पर मिलता है, तो भैया ये राजस्थान में मिलता है, नंबर दो में फिर उड़ीसा है। ठीक है, थोरियम कहाँ पर मिलता है, थोरियम सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलता है। तो बिल्कुल नया डेटा है, बिल्कुल अभी का डेटा है, तो इसको आप इतना सा एक बार, मतलब जाते जाते आँख मार लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, बिल्कुल उल्टा आपको फायदा ही होने जा रहा है। ठीक है, अच्छा, कुछ मैं आपको नाम बता रहा हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो महिलाएं हैं, कुछ बहुत प्रभावशाली महिलाएं और भारतीय महिलाएं, तो बस वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक मैं जो आपको नाम बताने जा रहा हूँ, वो महिला एक नहीं दो समझ लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं, तीन महिलाओं की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी कोलेजियम ने तीन महिलाओं को भेजा है, तीन महिला न्यायाधीशों का नाम है। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, तेलंगाना हाई कोर्ट की जस्टिस हेमा कोहली, तेलंगाना याद रखिएगा, ठीक है। गुजरात हाई कोर्ट की जस्ट कौन है, बेला त्रिवेदी, और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज बीबी नागरत्ना। ठीक है, याद रखना है। दूसरा आपको नाम याद रखना है शिवांगी सिंह का, शिवांगी सिंह बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वायुसेना के राफेल विमान को उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट, जिन्होंने राफेल उड़ाया, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है वो। ठीक है, तो शिवांगी सिंह आप याद रखेंगे। फिर आपको जोया अग्रवाल को याद रखना है, सबसे लंबी दूरी तक उड़ान भर के ये मैडम बेंगलुरु पहुंची थी, इन्होंने जो उड़ान भरी थी दुनिया के सबसे लंबे रूट, दुनिया का सबसे लंबा रूट है हवाई का, कौन सा है, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को से बंगलुरु, बंगलुरु कितनी दूरी तय करी इन्होंने, लगभग 16,000 किलोमीटर की। तो जोया अग्रवाल को याद रखना है। ठीक है, एक नाम आपको याद रखना है भावना कंट को, आना ही है क्वेश्चन, इन तीन में से तो आना ही आना ही है, या इससे क्वेश्चन आएंगे या इनसे आएंगे या इनसे आएंगे। भावना कंट क्यों याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी, 26 जनवरी जो 2021 को जो परेड हुई थी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की, वहां पर लेफ्टिनेंट भावना कंट गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला पायलट थी। ठीक है, परेड में इन्होंने हिस्सा लिया था और हिस्सा लेने वाली पहली महिला पायलट थी, इसलिए उनको आपको याद नाम रखना है। ठीक है, एक नाम आपको याद रखना है स्वाति मोहन का, एक नाम आपको क्या रखना है, स्वाति मोहन का नाम याद रखना है। नासा के मंगल मिशन में, किसमें, नासा के मंगल मिशन में जो रोवर था, रोवर की सफल लैंडिंग कराई थी, मंगल मिशन में रोवर की सफल लैंडिंग इन्होंने कराई थी स्वाति मोहन ने। वैसे ये बंगलुरु की रहने वाली है। ठीक है, फिर एक और नाम है बड़ा इम्पोर्टेंट, उनका नाम है, ये लखनऊ की है वैसे, उनका नाम है ऋतु करिधाल श्रीवास्तव, ऋतु करिधाल, वैसे तो ये लखनऊ की हैं। ठीक है, 2013 में मंगल ग्रह पर भारत का पहला मार्स मिशन में ये डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर थी। ठीक है, और 2019 में चंद्रयान टू की डायरेक्टर है। चंद्रयान वन में क्या थी ये, पहले मार्स मिशन में क्या थी, ये मार्स मिशन जो गया था वहां पर ये डिप्टी डायरेक्टर थी, डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, तरक्की हुई 2019 में, क्या हुई, चंद्रयान टू की डायरेक्टर बनी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको इनको। ठीक है, इसी प्रकार मिसाइल वूमेन है भारत की, उनको आप नाम सुना होगा, उनका नाम, का नाम है टेसी थॉमस, टेसी थॉमस कौन है, ये है भारतीय मिसाइल परियोजना की नेतृत्व करता, मिसाइल वूमेन के नाम से इनको जानते हैं, मिसाइल वूमेन के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, और ये जो है ना अपनी डीआरडीओ में जो अग्नि फोर है, अग्नि फोर फोर की निदेशक डीआरडीओ, मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली है इन्होंने, मिसाइल भारत की जो मिसाइल परियोजना का की नेतृत्व करता है।
ठीक है, पहली महिला है, पहली महिला वैज्ञानिक है। महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिलाओं के लिए हम लोग कई बार नाम करते हैं महिला आयोग। महिला आयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है महिलाओं की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए। इसका पूछा जाए गठन कब हुआ, तो 1992 में इसका गठन हुआ था। एक अधिनियम लाया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, इसके तहत इसका गठन 1992 में किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्ष कौन है इस समय, तो रेखा शर्मा आपको याद रखना है, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की। ये जो महिला आयोग है वो कौन सा है, यूपी का नहीं है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसकी अध्यक्षता रेखा शर्मा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें चार अन्य सदस्य भी हैं। ठीक, अभी हाल ही में सीआरपीएफ की पहली कोबरा कमांडो यूनिट में महिला कोबरा यूनिट को भी शामिल कराया गया, और जंगल वारफेयर कमांडो यूनिट में इसको शामिल कराया गया। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें हमने जानी, इतनी सारी चीज़ों को हमने सुना। आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था प्रियंका मोहितो का नाम, कि अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली महिला है। 2013 में 21 वर्ष की उम्र में वो वहाँ पर भी चढ़ गई थी एवरेस्ट पर। ठीक है, अब जब महिलाओं की बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स ना हो समझ में नहीं आता। चलिए ओलंपिक में देख लो, ओलंपिक जो अभी हुआ था टोक्यो ओलंपिक, इसमें तीन महिलाओं ने बड़ा नाम रोशन किया। पहला आपको नाम याद रखना, मीराबाई चानू का। ठीक है, इनको सिल्वर मेडल मिला था। इन्होंने 49 kg वर्ग में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में पदक लिया था। इससे पहले कर्णव मल्लेश्वरी थी, उन्हें कांस्य मिला था और इनको सिल्वर, तो प्रमोशन हुआ वेट लिफ्टिंग में। दूसरा नाम आपको याद रखना है लोवलिना बरगोहेन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ये असम की रहने वाली है और टोक्यो ओलंपिक में वाल्टर वेट प्रतियोगिता, ठीक है, ये 64 से 69 kg के भार वर्ग में थी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या जीता, इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और तीसरा आपको याद रखना है पीवी सिंधु को याद रखना है। ठीक है, इनको भी ब्रॉन्ज मिला। ठीक है, तो इन्होंने किस में जीता है, बैडमिंटन में। ठीक है, तो सुशील कुमार के बाद ये दूसरी महिला थी जिसने दो ओलंपिक पदक जीते हैं, पीवी सिंधु ने। ये दो ओलंपिक जीत चुकी हैं, दो ओलंपिक पदक हैं, दो अलग अलग, उसमें पिछली बार भी जीता था और इस बार भी इन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपको यहाँ पर याद रखनी है। बहुत सारी प्रभावशाली महिलाएं हैं जो अन्य अन्य पदों पर रही हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इतना देखते हैं, उसके बाद हम लोग चलिए अब कुछ कुछ नेशनल इवेंट्स के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और उसको समझते हैं।